तो चलिए गाइस, आज मैं आया हूँ शहीद लक्ष्मण चौधरी के स्मारक पे, जहाँ उनका दाह संस्कार भी हुआ था। और हम आपको बताएंगे कि उनका स्मारक कितना तैयार हुआ है और कितना नहीं, और कितना कार्य प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए चलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे दूसरे व्लॉग्स वीडियो आते हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ, अच्छे अच्छे मेरे व्लॉग शूट करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, आप वो भी वीडियो मेरे जाके देखें, चैनल में ज़रूर जाके देखें। और ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूँगा आपके लिए ऐसे। और मेरे सारे वीडियो ना ऐसे यूट्यूब से हटके हैं, और जिस चीज़ पर मैं वीडियो बनाता हूँ वो इस पर पूरा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मीन्स वो चीज़ सही है कि नहीं है, गलत है तो क्या गलत है, उसमें हर चीज़ मैं पूरा बताता हूँ, तो वो भी मेरे वीडियो जाके देखते हैं। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं, मैं आपको स्मारक दिखाता हूँ। लक्ष्मण चौधरी का स्मारक, ये देखो अभी काफ़ी हद तक बन के तैयार हो गया है, अभी से ऊपर लगना बाकी है, पूरा तैयार हो चुका है। ये अभी फ्लैग वैसा के वैसा है, फ्लैग में कुछ चेंजेज नहीं किया, अभी जब पूरा तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद में यहाँ पे फ्लैग चेंज किया जाएगा। अभी चलते हैं, तारों सब घुमा के दिखाते हैं आपको। ये इधर क्या, ये देखते हैं। अच्छा, ये तो पानी का टैंक बनाया हुआ है, ये पानी का टैंक बनाया, यहाँ पे पानी की आवश्यकता। कार्य अभी चल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है चारों तरफ पत्थर है, वो सारे सामान रखा हुआ है, कार्य चल रहा है, प्रोसेस है। और इधर देखो लोग आते हैं, और इधर सब देखो, अभी ये देखो अगरबत्ती करते हैं लोग यहाँ पे, और प्रसाद भी चढ़ाते हैं, और अभी अभी इसके बाद में हम वीडियो में बताएंगे कि पूरा स्मारक तैयार हो गया, कैसा तैयार हुआ, और इसके अलावा और कहां कहां पे उनका, मीन्स शहीद लक्ष्मण चौधरी का याददाश्त के लिए बनाएंगे, गवर्नमेंट या फिर बोलता है सर्किल की और बनाएंगे, वहां पे भी हम बताएंगे कि वहां पे क्या बनाए। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और मैं आपको एक बात और कह देता हूँ कि मेरे दूसरे व्लॉग्स वीडियो वो भी ज़रूर देखें, मैं भी उसमें भी बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में प्लीज़ आप इधर नहीं आइए, और मैं इतने एक्सपेरिमेंट मंदिर जहाँ पे बहुत ही मीन्स यूनिक मंदिर, जो हज़ारों साल पुराने मंदिर है, वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ कि ये मंदिर कितना पुराना है, क्या है उसका, क्या है मीन्स भगवान जी के क्या पर्चा होता है, वो सब मैं बताता हूँ, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। चलिए गाइस चलते हैं।